साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो सिंपली रूटीन में यूज आने वाले छोटे छोटे फॉर्मूलों को आप किस प्रकार यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप एक अकाउंटेंट हैं तो रेगुलर यूज में आने वाले फॉर्मूले आप अपने अकाउंट में किस प्रकार यूज करेंगे। अकाउंटिंग की एंट्री और अकाउंटिंग की कैलकुलेशन के लिए ये जो छोटे छोटे डेली रूटीन यूज के फॉर्मूले हैं ये आपके बहुत काम के हो सकते हैं। इनके बारे में जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं 3D फॉर्मूला। 3D फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कुछ इस तरह का लेखा जोखा किया हुआ है जिसमें आपके जितने भी एक्सपेंसिज हैं, यहाँ पे मान लीजिए रेंट से संबंधित है, वो आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है डेट वाइज किस प्रकार का किराया है। फिर आपने मटेरियल संबंधित एक्सपेंसेस है वो सारे यहाँ पे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस आपने अलग सीट के अंदर रखे हैं, और सर्विसेज के लिए आपने जितने भी एक्सपेंस थे वो आपने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने अलग अलग सीट में सारे एक्सपेंस रखे हैं और सभी का आपने यहाँ पे सम करना है, उसका ग्रैंड टोटल लेना है। तो सिंपली आप किस प्रकार यूज कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करें, कॉन्कैटेनेट करें, उस सारे डाटा को कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, हमने तो सिर्फ वहाँ पे ग्रैंड टोटल चाहिए सभी का। तब सिंपली आपके दिमाग में क्या आएगा, करेंगे हम इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, देन रेंट वाली सीट में जाएंगे और डाटा सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर से करेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर्मूला आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, फिर जाएंगे मटेरियल वाली सीट के अंदर और यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर से हम करेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, अदर एक्सपेंसेस में गए, यहाँ से एक्सपेंसेस को सेलेक्ट किया, फिर से वही सेम प्रोसेस, फिर से सम यूज़ करेंगे और हम नेक्स्ट सीट के अंदर जाएंगे और यहाँ से ये वाले सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आ गया हमारा सम। उन एक्सपेंसेस में जब भी हम कोई भी डाटा ऐड करेंगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे अपने आप ग्रैंड टोटल में आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो गया, इसको हम 3D बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंट वाली फाइल के अंदर जाएंगे और जिस प्रकार हमने सम के लिए किया था उसी प्रकार हम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और लास्ट वाली सीट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए फॉर्मूला बार के अंदर क्या आ रहा है, सम रेंट से सर्विस सीट तक C4 से C17 तक का, बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, आ गया सभी का सम। अब दोनों फॉर्मूलों के दरमियान एक एडवांटेज और निकल के आती है इस वाले में, वो क्या है, मैं एक सीट और इंसर्ट करता हूँ और इस सीट का नाम डाल देता हूँ मैं MIS एक्सपेंसेस, ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास कुछ एक्सपेंस है, मैं यहाँ से यही सीट कॉपी करता हूँ Ctrl+C और इसके अंदर डाल देता हूँ मैं पेस्ट, और यहाँ पे मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ, अब ये सीट और है इसको भी हमने इस 3D फॉर्मूले में ऐड कराना है। तो क्या करेंगे, ओनली हमने इस सीट को पकड़ के और ये जितनी भी सीट की जो सीक्वेंस थे इनमें बीच में कहीं भी इसको ड्रॉप कर देंगे। अब आप टोटल में आकर देखोगे तो यहाँ पे वो भी ऐड हो जाएंगे जबकि इसके अंदर वो ऐड नहीं होंगे, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को बोला है 3D फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है, यहाँ पे मैंने बिल नंबर के हिसाब से उनकी अकाउंटिंग की हुई है, इस बिल नंबर पे ये वाला एक्सपेंस है, इस बिल नंबर पे सर्विसेज है, देखो 100202 के ऊपर सर्विसेज है, यहाँ भी 100202 पे सर्विस है, जहाँ भी आप देखोगे सर्विस उसका बिल नंबर सेम है ना। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट एंट्री करनी है बिल नंबर 100210, उसका क्या प्रोडक्ट है, तो फिर से हम देखेंगे इस लिस्ट में, और लिस्ट बड़ी हो गई, कहीं एक आध बारी वो प्रोडक्ट है तो ढूंढने में परेशानी होती है। तो इस प्रकार की एंट्री के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला एक्सेल फॉर्मूला VLOOKUP का हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ से कंप्लीट हटा देता हूँ, बिल नंबर के हिसाब से जो हमारे एक्सपेंसेस है वो हमारे किसी दूसरी सीट के अंदर है यहाँ पे, या तो यहाँ से देखेंगे और यदि देखना ना चाहें तो हम वापस इधर आएंगे और इधर फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू VLOOKUP
ब्रैकेट स्टार्ट करके सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डालना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारे पास बिल नंबर से हमने वो एक्सपेंस यहाँ पे फैच कराने हैं, तो ये हो जाएगी हमारी लुकअप वैल्यू। इसको हम रिलेटिव रखेंगे, कोमा यूज़ करेंगे, टेबल अरे हमारे पास यहाँ पे अलग से रखी हुई है, ये हो जाएगी हमारी टेबल अरे। इसको कर देते हैं फिक्स, कोमा कॉलम, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा सेकंड, नंबर दो कोमा ज़ीरो। एग्जैक्ट मैच के लिए इसको हम फॉल्स में गिनते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देन आ गया हमारा जो भी एक्सपेंस था, जो नाम था उसका, राइट। अब इसको हम नीचे तक चेक कर लेंगे, इस फॉर्मूले को और नीचे तक लेते जाएंगे, फिर हम सिर्फ बिल नंबर यहाँ पे डालेंगे और उसका जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी नाम होगा, वो यहाँ पे आराम से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी टेबल के अंदर हमारे पास ये टोटल अमाउंट है और टोटल एक्सपेंस हमारा कितना है। तब हम क्या करते हैं, हम करेंगे सिंपली इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और जिनका भी हमने सम करना है उनको सेलेक्ट करके और करेंगे एंटर, जो टोटल अमाउंट है हमारी आ गई। इसको यहीं पे रोकने के लिए मैं इस रो को यहाँ से फ्रीज कर लेता हूँ। अब हमारे ये जो टोटल नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे फ्रीज होकर रह जाएंगे, तो ये ऊपर स्क्रॉल नहीं होंगे, हमको दिखाई देते रहेंगे। फिर से हम सम कर लेते हैं, हमारा सम यहाँ से डिलीट हो गया, तो हम करते हैं सम, ब्रैकेट स्टार्ट करके और इन सभी को हम कर देंगे सम। जो इनका टोटल आया वो आ गया 484,000। ये जो खर्चा है सर्विस का, ये टू टाइम हुआ, 15,841 के हिसाब से 31,682 बन गया। यदि यहाँ पे हमने ये टाइम नहीं डाला, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं डिलीट, देन यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, क्योंकि एक हमारी अमाउंट ख़त्म हो गई। या फिर किसी जगह पे हमने इसका, हमको नहीं पता है, हमने यहाँ पे एन ए कर दिया, नहीं पता है, तो ये आ गई वैल्यू एरर। तो इसकी वजह से आप देख रहे हो जो हमारा टोटल था सम, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वहाँ पे वैल्यू एरर आ रही है। वापस इसको हम अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड। और यदि हम सम को अब एग्रीगेट के साथ यूज़ करें, क्योंकि अकाउंटिंग के दौरान हमको इस तरह के एरर नहीं चाहिए, हमको तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, तब हम क्या करेंगे, करेंगे इक्वल टू एग्रीगेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करना है देखो, यहाँ पे एग्रीगेट में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम सम, काउंट, काउंटा, मैक्सिमम, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे दिए। हमने सम करना है तो हम यहाँ पे नो नंबर चुने, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक यूज़ करेंगे, तो देखो यहाँ ऑटोमेटिक नो नंबर आ रहा है, राइट। कोमा यूज़ करेंगे, हमने क्या इग्नोर करना है, हमने इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन को इग्नोर करना है, नहीं करना है, ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। या फिर हिडन रोज या एरर वैल्यूज़, या हिडन रोज एंड एरर वैल्यूज़, हमको दोनों चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। हम यहाँ पे तीन नंबर को चुनेंगे, कोमा यूज़ करेंगे और अब अरे कर देंगे हम उस लेंस को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। देखो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों का जोड़ सही आ रहा है। अगर मैं यहाँ से किसी एक को डिलीट करता हूँ तो उस स्थिति में भी दोनों का जोड़ सही आ रहा है। अब कहाँ पे गड़बड़ करेगा, या तो हम कोई वैल्यू हाइड कर दें, मैं यहाँ से करता हूँ सिर्फ ये दो या तीन में हाइड कर देता हूँ, ओके करूँगा, देन देखो यहाँ पे सम का हमारा गलत दिखा रहा है, क्योंकि ये ऑल ओवर सम कर रहा है, जबकि एग्रीगेट जो हमारी विजिबल वैल्यू होंगी उन्हीं का ही सम करेगा। वापस से हम सभी को शो कर लेते हैं और कहीं भी हम एक वैल्यू एरर कर देते हैं, किसी भी प्रकार की फॉर्मूला एरर आती है, तो उस स्थिति में भी एग्रीगेट फॉर्मूला उन एरर्स को और हिडन सेल्स को इग्नोर कर देगा। अब इसका एक और बेटर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एग्रीगेट का। यहाँ पे देखिए टोटल इनकम है, कुछ एडिशनल इनकम है और टोटल इनकम बन रही है 3,05,000। इसी प्रकार कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसमें गुड्स एंड मटेरियल का 25,000 है और अदर छोटा मोटा मिला के 3,000, टोटल 28,000 एक्सपेंसेस हो गए। प्रॉफिट दिखा रहा है 2,73,000। मैं कंप्लीट इस प्रॉफिट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये प्रॉफिट किस प्रकार आया, हम टोटल इनकम में से ये माइनस कर दें, है ना। मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू एग्रीगेट, ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं करूँगा सम, उसके लिए करूँगा नो नंबर, कोमा, और यहाँ से करता हूँ मैं इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन ज़ीरो, कोमा, और रेंज के अंदर मैं कंप्लीट रेंज डाल दूँ, तो क्या ये सही दिखाएगा।
देखो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, 2,77,000 आप करके देख लीजिए, 3,05,000 में से 28,000 माइनस कीजिए, 2,77,000 किस प्रकार से आया। जो हमने यहाँ पे इनका सम किया है, यहाँ भी मैंने एग्रीगेट यूज़ किया है और यहाँ भी मैंने एग्रीगेट यूज़ किया है, आप देखिए। तो यदि हम ऐसी जगह पे भी एग्रीगेट फंक्शन के जरिए सम करते हैं और फिर हम उनका ग्रांड टोटल निकालना चाहें, तब हमको यूँ अलग अलग इस हिसाब से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कम्प्लीटली ले लेंगे रेस बिना खटके। तो ये ऐटोमेटिक ही एग्रीगेट और सब टोटल के फंक्शन को इग्नोर करके जो वैल्यू है उन्हीं को उठाएगा यहाँ पे। इससे हम अपने काम को और फास्ट बना सकते हैं और स्टिक बना सकते हैं, राइट। अभी मान लीजिए आपने अपने लेखा जोखा के अंदर कुछ डेट डाली हुई है अलग अलग मंथ्स की, और आपने जो भी डेट डाली हुई है उस डेट के हिसाब से उस मंथ की एंड डेट आपने अलग से निकालनी है। तब जैसे जनवरी का है, यहाँ पे आप लिखेंगे 31 जनवरी, यहाँ पे फरवरी का है आप लिखेंगे 28 फरवरी या 29 फरवरी, कन्फ्यूज हो सकते हैं। तब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ईओ मंथ का, एंड ऑफ मंथ का, यहाँ पे ऊपर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम ईओ मंथ। और ध्यान रहे ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ आपको, यह आपको एक्सेल के सभी वर्जन में अवेलेबल होगा, चाहे आपके पास एक्सेल 2007 है या फिर 2019 है या फिर ऑफिस 365 है आपके पास। ईओ मंथ में सबसे पहले पूछता है स्टार्ट डेट, हमने डाल दी, कोमा यूज़ करेंगे और हमने इसी मंथ की एंड डेट निकालनी है, तब यूज़ करेंगे यहाँ पे जीरो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जनरल फॉर्मेट आ रहा है, इसको हम कर देते हैं डेट फॉर्मेट के अंदर, होम में जाके मैं कर देता हूँ इसको डेट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो डेट निकल के आ रही है क्या आ रही है, जनवरी की लास्ट डेट आ रही है, राइट। इसको मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे सभी मंथ्स की, चाहे वो जो भी मंथ हमारे पास है हमको देखने की जरूरत नहीं है, ये उस मंथ की लास्ट डेट यहाँ पे फैच करा लेगा। या फिर आपने इस मंथ से नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट चाहिए या उससे नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट चाहिए, तब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, तब हम यूज़ करेंगे ईओ मंथ। और ईओ मंथ के अंदर सेम टू सेम हम स्टार्ट डेट में यही देंगे, कोमा यूज़ करके यदि हमने इस मंथ से नेक्स्ट मंथ की अगर लास्ट डेट निकालनी है तो हम यूज़ करेंगे 1, 0 यूज़ करेंगे तो उसी मंथ की लास्ट डेट आएगी और 1 यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट मंथ की, और यदि उससे नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट निकालनी है तो 2 यूज़ करेंगे, राइट। इस प्रकार से तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये भी हमारा जनरल फॉर्मेट है, इसको भी मैं डेट फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ये आ गई अब जनवरी के बाद फरवरी मंथ की लास्ट डेट, और इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये इस मंथ से अगले मंथ की लास्ट डेट, उस मंथ की एंड डेट निकाल के यहाँ पे रख देगा। इसी प्रकार एक आता है ई डेट फॉर्मूला। ई डेट फॉर्मूला हमको दिखाता है हमारे अकाउंट्स में कि यदि हमने ये जानना है कि 14 महीने बाद इस तारीख से 14 महीने बाद करेक्ट क्या तारीख पड़ेगी, या 10 महीने बाद कौन सी तारीख पड़ेगी, या 9 महीने बाद कौन सी तारीख पड़ेगी, वो चेक करना है। अगर हमने वही डेट चाहिए तब हम ई डेट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और हम करेंगे ई डेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट डेट चाहिए इसमें भी, हम यहाँ पे स्टार्ट डेट ले लेंगे, कोमा कितने मंथ बाद की डेट हमने देखनी है, हमने देखनी है 14 मंथ बाद की डेट देखनी है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं जर्नल फॉर्मेट, जर्नल है इसको डेट फॉर्मेट करेंगे। तो जो 1 जनवरी 2020 के बाद 14 महीने बाद इसके जो डेट आएगी वो 1 मार्च 2021 की आएगी, और जिन जिन की हमने 14 महीने बाद की डेट निकालनी है सभी की हम फॉर्मूला कॉपी कर देंगे। अब यदि ये जो डेट आई है हमको ये डेट नहीं चाहिए, हमको 14 महीने बाद जो महीना पड़ेगा उस महीने की एंड डेट चाहिए, तब हम इसी फॉर्मूले में ऐड कर देंगे ईओ मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्ट डेट के अंदर हमारा ये फॉर्मूला शामिल हो जाएगा, कोमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, देन लास्ट डेट आ जाएगी कौन से महीने की, इस डेट से 14 महीने बाद जो हमारी डेट आएगी उस मंथ की लास्ट डेट यहाँ पे फिल करेगा। या फिर हमने निकालना है इस डेट से 14 महीने पहले क्या डेट थी, तब फॉर्मूला लगाएंगे हम वही
ई डेट, ब्रैकेट स्टार्ट करके स्टार्ट डेट कोमा, और इस बार हम 14 की बजाय हम कर देंगे -14, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो डेट आएगी, मैं इसको डेट फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो अब जो ये डेट आई है, ये आई है इस डेट से 14 महीने पहले की डेट। और इसको भी अगर हम चाहें कि लास्ट डे दिखाए यहाँ पे इस महीने का, तो हम यहाँ पे साथ में ईओ मंथ ऐड कर देंगे। वर्कडे फॉर्मूला काफ़ी काम का फॉर्मूला है। आप अकाउंट्स में काम करते हैं, वहाँ पे आपके पास वर्कर भी होते हैं, किसी भी वर्कर का या आपने अपना वर्कडे काउंट करने हैं तो उसके लिए कोई भी हम डेट ले लेते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यही डेट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। काम करने की स्टार्ट डेट है ये और वर्किंग डेज हैं 20। तो यदि 20 दिन काम करना है, 1 तारीख से काम शुरू करना है, तो कितनी तारीख तक काम करना पड़ेगा, उसके लिए यूज़ करते हैं हम वर्क डे फॉर्मूला। और वर्क डे फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाऊंगा। पूरी डिटेल से वर्क डे को समझने के लिए ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारा, वो वीडियो जरूर देखें। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इक्वल टू वर्क डे, और वर्क डे के अंदर स्टार्ट डेट हमारे पास ये है, कोमा आप पूछ रहे हैं डेज, ये हो गए हमारे पास वर्किंग डेज। एक आता है इसके अंदर हॉलीडेज, ये ऑप्शनल है, इसको मैं अभी समझा दूंगा आपको। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो जो डेट आएगी वो आपकी ये आएगी। इसको मैं डेट फॉर्मेट में करता हूँ कि आप 20 दिन काम करेंगे तो आपको 29 जनवरी तक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला 5 डे वीक मान के चलता है, इसमें सैटरडे और संडे हॉलीडे होते हैं, इसलिए 5 डे वीक मानता है। तो 1 तारीख से 29 तारीख तक के आपके पास कितने सैटरडे या संडे आते हैं, मैं आपको कैलेंडर ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप कैलेंडर देख सकते हैं, मैंने जनवरी 2020 का कैलेंडर ओपन किया है, कितने वर्किंग डेज हो गए यहाँ पे देखिए। इधर सैटरडे 1, 2, 3, 4, तो सैटरडे कम हो गए और 5 संडे कम हो गए, 4 संडे, 4 ये और 4 ये, 8 सीधे कम हो गए। तो जहाँ पे ये डेट आपकी आनी थी 21 जनवरी, उसकी जगह आ रही है 29 जनवरी, इसलिए कि यहाँ पे सैटरडे और संडे को वर्किंग डेज में काउंट नहीं करता ये फॉर्मूला। और यदि इसके अलावा और भी हॉलीडेज हैं, जैसे यहाँ पे 13 और 15 के 2 हॉलीडेज और हैं, अगर इन दोनों को और हम जोड़ दें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हॉलीडेज, मैं यहाँ पे करता हूँ 13/1/2020 और एक है 15/1/2020। अब जो ऑप्शनल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं आता हूँ और कोमा यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले के बाद, और ऑप्शनल के अंदर जो हॉलीडेज है वो एक्स्ट्रा जो हमारा हॉलीडेज है वीकेंड के अलावा, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देन अब जो आ रही है आपकी डेट वो आ रही है 30/1। अब ये हॉलीडेज या वीकेंड अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री के हिसाब से, या अलग अलग कंपनियों में कहीं पे सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है, सिर्फ संडे ऑफ होता है, कहीं पे सिर्फ वेंसडे ऑफ होता है, तो उसके लिए हम वर्कडे का फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्कडे इंटरनेशनल फॉर्मूला। हम इधर आते हैं अलग से, यहाँ पे इस सेल को बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे करते हैं इक्वल टू वर्कडे डॉट intl, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट डेट हमारे पास वही ले लेते हैं, कोमा डेज 20 है, कोमा यहाँ पे देखो वीकेंड पूछ रहा है, आपके पास वीकेंड क्या है, सैटरडे संडे का है या संडे मंडे का है या मंडे ट्यूसडे वीकेंड है, जो वीकेंड है आप वो वीकेंड यहाँ पे चुन सकते हैं, या ओनली संडे ओनली मंडे वही वीकेंड यहाँ पे चुन लें, और इसके अलावा हॉलीडेज हैं तो कोमा यूज़ करके हॉलीडेज दे सकते हैं, वरना ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। इसको देखते हैं हम डेट फॉर्मेट में करते हैं, अब यहाँ पे दिखा रहा है 24 तारीख, पहले क्या दिखा रहा था 29 तारीख, है ना, जब सैटरडे और संडे 2 वीकेंड आते थे, अब ओनली संडे वीकेंड लिया है तो 24 तारीख दिखा रहा है। अकाउंटिंग में जब भी आप किसी का टोटल कर रहे हैं, किसी की सैलरी निकाल रहे हैं या फिर बैलेंस टोटल कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारे पास डिजिट आती हैं कुछ इस प्रकार से आ जाती हैं, और उनको हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ किस प्रकार करना है, राउंड ऑफ हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे 4 मेन चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है राउंड ऑफ की। जैसे हमने राउंड 2 डिजिट करना है डेसिमल के बाद का, या फिर होल नंबर राउंड ऑफ करना है, या फिर हमने डेसिमल से पहले का क्लोजेस्ट 10 या क्लोजेस्ट 100 राउंड करना है।
तो इसको मैं नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ। उसके लिए पहले तो मैं इन सेल्स को फिक्स कर दूँ, राइट। अब इस फॉर्मूले को नीचे तक हम ड्रैग कर लेते हैं। सबसे पहला राउंड, यदि हम फॉर्मूले के स्टार्ट में आए और यहाँ पे हम यूज़ करें राउंड, हमने इसको राउंड करना है। कितना राउंड करना है उतने नंबर डिजिट यहाँ पे डालेंगे, कोमा करके करता हूँ दो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आप दोनों में अंतर देखो, यहाँ पे दो डिजिट राउंड हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो पाँच था अब यहाँ पे जाके दो का तीन हो गया। अगर यहाँ पे चार होता तो ये राउंड डाउन रहता, ट्वेल्व ही रहता। जो तीसरी डिजिट है वो पाँच या पाँच से ज़्यादा है तो उससे पहले वाली एक स्टेप अप हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टू डिजिट राउंड या फिर होल नंबर राउंड्स करने। तब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, फिर से मैं यूज़ करता हूँ राउंड, और एंड में आके यहाँ पे मैं करूँगा कोमा ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देन अब ये होल डिजिट राउंड हो जाएगी। यहाँ पे डेसिमल के बाद का कोई मतलब नहीं है, आप डेसिमल हटाएं या न हटाएं अब वैल्यू यही मानी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसको एक कॉपी और कर लेता हूँ मैं नीचे। अगर हमने क्लोजेस 10 करना है तब हम यूज़ करेंगे, इधर आ जाते हैं वापस करेंगे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके, और इधर हम करते हैं माइनस वन। तो माइनस का मतलब होता है डेसिमल के लेफ्ट साइड के, डेसिमल से पहले के राउंड होते चले जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो डेसिमल पहले के, देखो क्लोजेस्ट 10 यहाँ पे राउंड हो गया। अगर ये लास्ट में जो 33 है यहाँ पे 35 होता तो ये इससे पहले वाला क्या हो जाता, 4 हो जाता, राइट। इसी प्रकार हम 100 करते हैं क्लोजेस्ट के, तब यूज़ करेंगे राउंड और इसको कर देंगे हम माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे। देन अब ये क्लोजेस्ट 100 राउंड हो जाएगा, यहाँ पे तीन डिजिट तक चलेगा ये। अब देखिए अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला सम इफ फॉर्मूला, जो हमारी बहुत सारी परेशानियों को हल कर देता है। यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं हमने इनको सम कर लिया, हमने एग्रीगेट से भी सम करा के दिखा लिया। अब हमने सम कराना है ओनली जो भी सर्विसेज, जो एक्सपेंसेस हैं सर्विस पे जो एक्सपेंस हुआ है वो, या फिर हमारा रेंटल जो इनकम है वो, या एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस है उनको हमने सम कराना है। तब यूज़ करते हैं हम सम इफ का। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा और आगे आ जाते हैं, और यहाँ पे करते हैं हम इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। रेंज में पूछता है सबसे पहले रेंज, हमने वो रेंज लेनी है जो हमने यहाँ पे सम करना है जिसका। देखो ये सर्विस का सम करना है और सर्विस कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे है, तो ये वाली रेंज हम चुनेंगे। कोमा यूज़ करेंगे, इस रेंज के लिए क्राइटेरिया हमने कहाँ पे लिया है, क्राइटेरिया हमने ये लिया है। फिर पूछता है सम रेंज, सम रेंज हमारे पास ये टोटल है, ये हो जाएगा हमारा सम रेंज। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंटर प्रेस कर देंगे तो ये जो टोटल आएगा 121,000, ये आएगा सर्विसेज का टोटल। अब सर्विसेज में हमने ये देखना है कि जो 20 अप्रैल के बाद की जो सर्विसेज हैं या 20 अप्रैल से पहले पहले की जो सर्विसेज हैं वो कितनी है, उसके लिए मल्टीपल क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके रखता हूँ नीचे, ठीक है। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए हम यूज़ करते हैं सम इफ्स। मल्टीपल क्राइटेरिया बोले तो अब हमने मान लो 20 तारीख से बाद में, तो क्राइटेरिया हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं ग्रेटर देन 20/4/2020, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। अब देखिए सम इफ और सम इफ्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम करेंगे इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। सम इफ में पहले पूछ रहा था रेंज, इसमें पहले लेनी पड़ती है सम रेंज, सम रेंज हमने पहले ही चुन ली, राइट। उसके बाद पूछता है क्राइटेरिया रेंज वन, इसका मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल क्राइटेरिया ले सकते हैं। तो पहली क्राइटेरिया रेंज तो ये, इसके लिए क्राइटेरिया ये रहा कोमा, क्राइटेरिया रेंज टू हम डेट में से ले रहे हैं तो डेट कोमा, इसका क्राइटेरिया ये रहा, ब्रैकेट क्लोज दो ही थे हमारे पास, एंटर प्रेस करेंगे। देन 64,399 कौन सी सर्विसेज का टोटल है जो 20 तारीख के बाद की है, या फिर हमने बार बार में क्राइटेरिया चेंज करने हैं, हमने 20 तारीख से पहले के देखने हैं तो यहाँ पे लेस देन करेंगे।
यह हमने बाद के देखने, पहले 20-4 के बाद के देख लिए, अब 10-4 के बाद के देखने हैं, फिर 20-5 के बाद के देखने हैं। तो हम क्राइटेरिया दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने डाला है, देखो J4 क्राइटेरिया लिया है, ठीक है। J4 से पहले यदि हम यहाँ पे यूज़ करें इन्वर्टेड कॉमास में ग्रेटर देन एंड J4, एंटर प्रेस कर देंगे, 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रेटर देन पहले ही लगा हुआ है। इसको मैं ग्रेटर देन को हटा देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, देन फिर से वही आ गया। अब सिर्फ हमने यहाँ पे डेट चेंज करनी है। मैं यहाँ पे करता हूँ अब डेट 15/5/2020, अभी भी उतना ही है, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1/1/2020, बढ़ गया। इसी प्रकार से हमने काउंट करके देखना है कि सर्विसेज हैं कितनी टोटल, तब हम यूज़ करते हैं इक्वल टू काउंट इफ का या काउंट इफ्स का। यहाँ भी हम उसी प्रकार से काउंट इफ करेंगे तो हम सिंगल क्राइटेरिया रेंज लेंगे, और यदि काउंट इफ्स यूज़ करेंगे तो मल्टीपल क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज ले सकते हैं, या आपने एवरेज निकाल के देखनी है। ये सारे मैंने सम इफ, काउंट इफ, सम इफ्स एंड काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, ये सारे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। अब जो ये फॉर्मूला है ये अकाउंट में ही नहीं, एक्सेल में यदि आपने इसको नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा, और वो फॉर्मूला है इफ। इसके बगैर एक्सेल अधूरा होता है, और इफ के लिए मैंने पूरा वीडियो आराम से समझाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे बजट निकालना है कि जो भी हमारी अमाउंट या जो भी खर्चा हमारा 30,000 से अबव हो गया वो हमारा और बजट है, बाकी एक्सेप्टेबल है। तो 30,000 के खर्चे कौन कौन से, और बजट कैसे चले गए, उनको हमने मार्क करना है या उनको चेक करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिक टेस्ट हमारा ये हो गया टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 30,000, देन अगर ये 30,000 से ज़्यादा है तो वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि जो वैल्यू ट्रू होगी, जो हमने आउट लेना है वो ट्रू वैल्यू में हमने क्या डिस्प्ले कराना है, या वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हमको क्या रिजल्ट चाहिए। मान लीजिए वैल्यू यदि ट्रू होती है, ये 30,000 से अबव होता है, तो हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे ओवर बजट, वरना या तो ये ब्लैंक दिखा दे या फिर दिखा दे एक्सेप्टेबल, राइट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो क्या है ये, एक्सेप्टेबल है। अब इसको हम नीचे तक फिल कर देंगे, देन जो भी हमारे पास ओवर बजट होंगे, देखो अब यहाँ पे इनको निकालना भारी हो रहा है, तो हम उन्हीं को डिस्प्ले कर लें जो हमारी ओवर बजट है। तो उसके लिए क्या कर दें, हम जो एक्सेप्टेबल है इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, राइट, और अब इस फॉर्मूले को फिल कर देंगे, तो जो ओवर बजट वैल्यू है वही हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी और हम उनको चेक कर सकते हैं। तो इफ के और भी बेहतरीन काम है जिसका कि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।